Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Cauchy problem for non-linear equation. नॉन लीनियर इक्वेशन मैंने माना एफ एफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉन लीनियर मुझे कोई कर्व गिवन होगा जेड इक्वल टू फाइव जेड अपॉन गामा इक्वल टू फाइव वेयर गामा इक्वल टू आर वन टी आर टू टी और फाइव ऑफ टी इक्वल टू फाइव ऑफ टी इक्वेशन टू अब इसका मीनिंग बता देता हूं जेड ओवर गामा या गामा इसका मतलब क्या होता है कि जब फंक्शन गिवन होती है ना जेड इक्वल टू जीरो और गामा इक्वल टू गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एक कर्व गिवन होता है टू डायमेंशन का और एक सरफेस गिवन होता है जेड इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू वन तो उस दोनों कंडीशन को कंबाइंड कर दिया जेड ओवर गामा इक्वल टू फाइव एक्स फाइव ऑफ जब भी तो हम या फिर ऐसा कुछ सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो ऑन द बाउंड्री लास्ट जैसे लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन आया था एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन ऐसा क्वेश्चन डिफाइन करते हैं या नहीं करते तो जेड की वैल्यू क्या है फाइव एक्स जेड की वैल्यू क्या फाइव एक्स ऑन द बाउंड्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन ये कर्व कोई भी हो सकता अगर मैं इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहां से क्या मिलेगा गामा आर वन टी आर टू टी फाइव ऑफ टी इक्वेशन टू तो इसे लिखो इनिशियल डाटा कर्व We need to find Z which satisfy both the condition We need to find Z which satisfy both the condition. अब यहां से तुमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो फाइंड द करेक्टरिस्टिक फॉर इक्वेशन वन एंड टू और सेकंड पॉइंट फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन वन एंड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन वन एंड टू अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जेड इक्वल टू फाइव एक्स कोमा वाई और फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इस टाइप का कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा फाइव यूज कर चुका हूं तो यहां पर कोई भी न्यू फंक्शन मान सकते तुम एफ एफ बी यहां पर साई मान लेता हूं साई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता यहां पर एक नोट लिखो करेक्टरिस्टिक कर पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल इनटू वेरिएबल्स एक्स टी कोमा एस वाई टी कोमा एस और जेड टी कोमा एस
यानी कि जो भी पैरामेट्रिक सॉरी करेक्टरिस्टिक्स आएंगे मेरे को वो किस वेरिएबल में मिलेंगे, टी और एस में। जितने भी एस वाई जेड होंगे वो तीनों किस में मिलेंगे, एस और टी। अब मेथड लिखो, मेथड फॉर फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक, मेथड फॉर फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक। अब देखो जब नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किसकी हेल्प से करते हैं, चारपिट, चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन तो सभी को याद होगी, देख लो वैसे खुद देख लेना कितने लोगों को याद है, याद है सभी को, एक बार हाथ उठाना कितने लोगों को याद है। जब हाथ की उठाने की बारी आई तो 50% कम हो गए। dx fp देखो यहां पर मुझे गिवन है dx अपॉन एफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स माइनस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई माइनस क्यू एफ जेड इक्वल टू। मैंने ये मान लिया कि ये रेशो किसी नंबर के इक्वल है, ds, नंबर नहीं बोला किसी वेरिएबल के इक्वल है ds। तो यहां से फाइव इक्वेशन मिल सकती है मुझे, फाइव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है या नहीं मिल सकते, ये 5:5 फ्रैक्शंस हैं। तो यहां से dx अपॉन ds, dx अपॉन ds इक्वल टू क्या मिलेगा, f of p, और dy अपॉन ds इक्वल टू f of q, और dz अपॉन ds इक्वल टू p, f of p प्लस q, f of q, और dp अपॉन ds, dp अपॉन ds इक्वल टू मिलेगा मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस पी एफ ऑफ जेड, और dq अपॉन ds इक्वल टू माइनस एफ ऑफ वाई माइनस क्यू एफ ऑफ जेड एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब देखो जो भी मुझे फंक्शन गिवन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो ही तो गिवन है। अब यहां पर जो इनिशियल डाटा कंडीशन गिवन है मुझे, वो गिवन है आर वन टी, आर वन टी, आर टू टी और फाइव एफ टी। मैं इसे मान सकता हूं एक्स टी को मत जीरो, जो ये इनिशियल कंडीशन है उसे हम मान के चल रहे एक्स टी को मत जीरो, y t को मत जीरो और z t को मत जीरो, ये मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। लास्ट थ्री पेपर से इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट ईयर के पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कैलकुलेशन है, बस हमें ये समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहां से तो फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगर यहां तक फाइंड आउट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा कि मुझे एक्स टी को मत जीरो इक्वल टू मुझे मिलेगा आर वन टी, वाई टी को मत जीरो आर टू टी और जेड टी को मत जीरो फाइव एफ टी। ये क्या है, इनिशियल कर भी तो है, यहां पे लिख सकते हो इनिशियल डाटा कर, ये तो गिविन है या नहीं है, गिविन इनिशियल डाटा कर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अभी हमें यहां तक तो गिविन था, यहां के बाद हमें लेट करना पड़ेगा ना दो के लिए एक्स। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं या इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो यहां पे एक्स की इनिशियल कंडीशन तो गिविन है, एक्स की भी गिविन है, वाई की भी गिविन। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. और जेड की भी गिवन है, हमें प्रॉब्लम किसकी है, पी और क्यू की, क्योंकि इनके सॉल्यूशन में अगर पी और क्यू आ गए तो पी और क्यू की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां से हम लेट करते हैं पी टी को मत जीरो, पी टी को मत जीरो इक्वल टू साई वन टी, और क्यू टी को मत जीरो साई टू टी। ठीक है, यहां तक इतना तो लेट कर सकते हो। अब मेरे पास ये कितनी इक्वेशन है, फाइव इक्वेशन है या नहीं, देखो ये साथ में लिख लेना, ये जो गिवन। ठीक है, अब यहां पे लिखो वी हैव टू सॉल्व दीज फाइव ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी है आर वन आर टू फाइव आर गिविन, आर वन आर टू फाइव इज गिविन, वी हैव टू फाइंड साई वन एंड साई टू फ्रॉम इक्वेशन फोर थ्री एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर। अब थ्री और फोर अब लिख रहा हूं, ठीक है, थ्री एंड फोर फ्रॉम इक्वेशन वन, एफ एक्स वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई। तो हमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू गिविन है या नहीं, ये भी तो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहां पे मान लेता हूं कि आर वन आर टू फाइव साई वन और साई टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थ्री, ऑल्सो डी जेड अपॉन डी टी। तो मैं लिख सकता हूं, अगर जेड टू वेरिएबल की फंक्शन है तो लिख सकता हूं डी एल जेड अपॉन डी एल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ये कुछ लिख सकता हूं। अब डी जेड अपॉन डी टी यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो फाइव डैश टी मिलेगा नहीं मिलेगा, यहां से फाइव डैश टी वैल्यू मिलेगी या नहीं। तो यहां पे इसकी वैल्यू फाइव डैश टी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है पी, और पी की वैल्यू क्या गिवन है साई वन टी, क्या बोल रहे हो क्या, इक्वेशन थ्री तो ये लिख दी, अब फोर बना रहा हूं। ठीक है, साई वन टी इंटू डीएक्स अपॉन डी टी, डीएक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या होगा आर वन डैश टी प्लस साई टू टी इंटू आर टू डैश टी इक्वेशन फोर। ये नोट किया या नहीं, आगे इक्वेशन थ्री एंड फोर या नहीं। अब देखो सबसे पहले दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमें कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इनिशियल डाटा कर्व भी गिवन हो, जो भी डाटा कर्व गिवन होंगे उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, में कन्वर्ट करने के बाद हमें कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये भी और ये भी। जो इनिशियल डाटा करोगे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसको एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लें, एक्स टी को मत जीरो इक्वल टू आर वन टी, वाई टी को मत जीरो इक्वल टू आर टू टी, और जेड टी को मत जीरो इक्वल टू फाइव एफ टी। यहां पर देखो कि फिर जो भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां से हम डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करते,
वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ पी के। फिर डी वाई अपॉन डीएस की वैल्यू एफ ऑफ क्यू, डी जेड अपॉन डीएस की वैल्यू, जो ये सारी वैल्यू है ये फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इनिशियल कर्व भी गिवन है, हमें इनिशियल कर्व गिवन है एक्स टी कोमा जीरो इक्वल टू आर वन टी, वाई ऑफ टी कोमा जीरो इक्वल टू आर टू टी, और जेड टी कोमा जीरो इक्वल टू फाई ऑफ टी। और ये साई वन और साई टू हम लेट कर सकते हैं। तो हम एक अननोन क्या मेरे पास, साई वन टी और साई टू टी। अगर मैं इन इनिशियल डाटा करूं इक्वेशन वन में पुट कर दूं, तो यहां से साई वन और साई टू में एक इक्वेशन मिलेगी, और इसकी हेल्प से एक इक्वेशन आएगी डी डैश फाई डैश टी इक्वल टू साई वन टी आर वन डैश टी प्लस साई टू टी इंटू आर टू डैश टी। ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो फाई वन साई वन और साई टू मिलेंगे या नहीं, साई वन और साई टू मिल जाएंगे। यहां पे पुट करो, अब पुट करने के बाद में यहां से फिर रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर दो। अभी क्वेश्चन कराता हूं जब समझ आएगा। मैंने ये बोला कि साई वन और साई टू फाइंड आउट कर सकते हो इन दोनों थ्री इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को सॉल्व करोगे। यहां पे पुट करोगे तो पी और क्यू में एक कंडीशन आ जाएगी, जब सॉल्व करोगे तो यहां पे पुट कर सकते हो। अब ये कितनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पांच। तो पांचों से यहां से एक्स वाई जेड पी और क्यू भी तो फाइंड आउट करने हैं या नहीं, तो वही तो मेरे करेक्टरिस्टिक है। अब लिखो फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन, यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन, यू गामा इक्वल टू जीरो, यू गामा इक्वल टू जीरो, वेयर गामा इज द सर्कल, वेयर गामा इज द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, गामा इज द सर्कल ऑफ रेडियस वन, ऑफ रेडियस वन इन एक्स वाई प्लेन। अब मुझे देखो, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एफ इक्वल टू कंसीडर कर सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। और मुझे इनिशियल गामा कर्व क्या मिलेगा, इनिशियल डाटा कर्व कॉस टी इन एक्स वाई प्लेन रेडियस वन इन एक्स वाई प्लेन, कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी और जी। इनिशियल डाटा कर्व को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हो एक्स कॉस टी साइन टी और जीरो, ठीक है। अगर यहां से चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करते हो तो यहां पे मिलेगा डी एक्स अपॉन एफ पी टू पी डी वाई अपॉन एफ क्यू टू क्यू डी जेड अपॉन टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और डी पी अपॉन एफ एक्स जीरो और डी क्यू अपॉन जीरो डी। तो डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल टू टू पी। तो यहां से एक्स आप सी एस आई आर नेट या आई आई टी जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। T0 की वैल्यू क्या मिलेगी? cos t dy अपॉन ds 2q y T0 की वैल्यू क्या मिलेगी? sin t और dz अपॉन ds 2p² प्लस q² z t 0 इक्वल टू 0 और dp इक्वल टू 0 और dq इक्वल टू 0 p t 0 इक्वल टू ψ1t और q t 0 ψ of t। यहां तक नोट किया? देखो यहां तक तो सब कुछ सेम ही लिखा है या नहीं लिखा? यही है जो यहां पे ही लिखा हुआ था। अब यहां के बाद में क्या था कि हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? ψ1 और ψ2। और ये जो r जो हमें ये गिविन है, ये क्या R1, ये R2, ये phi, ψ1, ψ2, जो गिविन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे P की वैल्यू क्या है? ψ1t और Q की वैल्यू क्या है? ψ2t। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? ψ1² प्लस ψ2² इक्वल टू 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? यहां से ये डायरेक्ट लिख सकता हूं या नहीं? जो हमें थर्ड इक्वेशन गिविन है, थर्ड इक्वेशन में ये गिविन है कि ψ1² प्लस ψ2² इक्वल टू 1 आएगा। इक्वेशन 3, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इक्वेशन 4 क्या गिवन थी? इक्वेशन 4 गिवन थी ψ t इक्वल टू ψ1 R1 t प्लस ψ2 R2 t, यही तो गिवन है। इक्वेशन 4 तो ये गिवन है या नहीं? अगर मैं फाइ का डेरिवेटिव करता हूं, फाइ की वैल्यू क्या? फाइ की वैल्यू क्या? 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से ψ t इक्वल टू ψ1 R1 t प्लस ψ2 R2 t। अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू फाइ की वैल्यू पुट करता हूं तो ये 0। ψ1 t की वैल्यू क्या गिवन है? सॉरी, यहां पर P की वैल्यू क्या गिवन थी? ψ1 t। तो ψ1 t पुट कर सकता हूं, ψ1 t इंटू R1 t। R1 t की वैल्यू क्या? −ψ t। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? −ψ t प्लस ψ2 t और R2 t की वैल्यू cos t। इक्वेशन 4, ये मुझे इक्वेशन 3 गिवन है और यहां पे इक्वेशन 4 गिवन है, इसकी हेल्प से मुझे ψ1 और ψ2 फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? ψ1 sin x इक्वल टू ψ2 cos x। अगर मैं इक्वल इक्वेशन माइनस साइन है अगर शिफ्ट करता हूं तो ψ1 sin x इक्वल टू ψ2 cos x cos t। तो यहां से अगर मैं ψ2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो ψ2 की वैल्यू मिलेगी ψ1 tan t। ψ2 इक्वल टू ψ1 tan t। अब यहां पे देखो पुट कर दूं, यहां पे अगर पुट करोगे तो पुट करने पे क्या मिलेगा? ψ1² इक्वल टू
1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो यहां से डायरेक्ट लिख दू 1 साई 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर x, और 1 प्लस sec स्क्वायर x को डायरेक्ट लिख सकता हूं cos स्क्वायर t। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिली, साई 1 t की वैल्यू मिली cos t। देखो एक अभी मैंने पॉजिटिव माना, ये दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, यहां पे दो वैल्यू आएंगी प्लस भी और माइनस भी। अभी क्या कंसीडर कर रहा हूं प्लस, अब माइनस मान के भी सॉल्व कर लेना। तो अगर ये साई 1 t की वैल्यू cos t है, अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो साई 2 की वैल्यू, साई 2 की वैल्यू क्या मिलेगी साइन t, ये मिली। अब यहां से बताओ कि जब ये इसकी वैल्यू साई 2 की वैल्यू मिली मुझे साइन t, और इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे cos t, तो मुझे जितनी भी इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो सारी इनिशियल कंडीशन मिली। जितनी भी इनिशियल कंडीशन, मुझे 5 इक्वेशन गिवन है, और 5 इक्वेशन की हेल्प से मुझे कितने अननोन फाइंड आउट करने, 5 अननोन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना टॉप से सॉल्व करना शुरू करो, हमेशा नीचे से सॉल्व करना शुरू करना, पहली इक्वेशन पहले इसे सॉल्व करना, फिर इसे सॉल्व करना, फिर इन्हें, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना। अगर यहां से सॉल्व करता हूं तो लास्ट इक्वेशन, हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन गिविन है वो गिविन है डी क्यू इक्वल टू जीरो, डी क्यू अपॉन डीएस अपॉन डीएस। अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एस, तो क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट, और जो क्यू फंक्शन है वो फंक्शन किसकी है, टी और एस की, टी और एस की फंक्शन है, और हमें कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा सी वन। अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो टी क्यू टी एस इक्वल टू सी वन। अब मुझे कंडीशन गिविन है क्यू टी कोमा जीरो इक्वल टू क्या गिविन है साइन एक्स। अगर मैं इस कंडीशन का यूज करता हूं टी कोमा जीरो साइन एक्स, तो यहां से सी वन की वैल्यू क्या मिलेगी साइन टी मिलेगी, यानी तो यहां से इसका सॉल्यूशन है क्यू टी कोमा एस इक्वल टू साइन टी। अब सेकेंड इक्वेशन गिविन है डीपी अपॉन डीएस, डीपी अपॉन डीएस इक्वल टू जीरो, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन डीपी अपॉन डीएस इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से पी इक्वल टू क्या मिलेगा सी टू, पी टी कोमा एस इक्वल टू सी टू, और यहां पर पी टी कोमा जीरो की वैल्यू क्या गिविन है कॉस टी, तो यहां से पी टी कोमा जीरो इक्वल टू क्या गिविन है कॉस टी, तो यहां से सी टू की वैल्यू क्या मिलेगी पी टी कोमा एस इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, अब देखो यहां से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो पी और क्यू की वैल्यू, ये सही है या गलत है, पी की वैल्यू क्या साइन टी और क्यू की वैल्यू क्या, सॉरी क्यू की वैल्यू साइन टी और पी की वैल्यू कॉस टी, गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज यहीं छोड़ के चेक करना कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहां से आगे कैलकुलेशन करता हूं, अब देखो हमें डी जेड अपॉन डीएस फाइंड आउट करना, डी जेड अपॉन डीएस हमें क्या गिविन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या गिविन है वन, क्या यहां पे डी पी बाय डीएस, डीपी बाय डीएस इक्वल टू जीरो, पी टी कोमा एस इक्वल टू सी टू। अगर एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं, अब यहां से बताओ पी की वैल्यू क्या गिविन है मुझे, पी की वैल्यू गिविन है कॉस टी और क्यू की वैल्यू क्या गिविन है साइन टी। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं पी स्क्वायर की वैल्यू और क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से क्या मिलेगा वन, तो डी जेड अपॉन डीएस की वैल्यू क्या मिलेगी टू। इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा टू एस सी थ्री, डी सॉरी जेड टी कोमा एस इक्वल टू टू एस प्लस सी थ्री। अब मुझे कंडीशन गिवन है जेड टी कोमा जीरो इक्वल टू जीरो, तो अगर एस की वैल्यू जीरो जेड की वैल्यू जीरो तो सी थ्री की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो, तो जेड टी कोमा एस इक्वल टू क्या आया टू एस।
dy अपॉन ds इक्वल टू गिवन है 2q, और q की वैल्यू क्या गिवन है, sin t, तो 2 sin t अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से y t कोमा s इक्वल टू 2s sin t, 2s sin t प्लस c4, यहां पे कंडीशन गिवन है y t कोमा 0, t कोमा 0 इक्वल टू sin t. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अगर s की वैल्यू 0, y की वैल्यू sin t, तो c4 की वैल्यू क्या मिलेगी? Sin t. तो y t comma s equal to 2s plus 1 into sin. Last dx upon ds. dx upon ds equal to 2p. और p की वैल्यू क्या गिवन है? Cos t. तो 2 cos t. 2 cos t. तो यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो x equal to क्या मिलेगा? 2s cos t plus c5. और लास्ट कंडीशन पुट करोगे तो यहां से cos c5 की वैल्यू क्या मिलेगी? cos t. तो डायरेक्ट लिख देता हूं x इक्वल टू 2s प्लस 1 इनटू क्या आएगा? cos t. क्या बोल रहे हो? अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लिख दूंगा, क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपर में आया वही लिखता हूं पहले. क्या ऑप्शन ऑप्शन से नहीं होने का? क्योंकि अगर सॉल्यूशन में कांस्टेंट वैल्यू पूछ लेंगे तब कैसे करोगे? और जैसे उन्होंने करेक्टरिस्टिक पूछे भी थे 15 के पेपर में, तो करेक्टरिस्टिक में चारों ही ऑप्शन ऐसे मिल रहे थे कि जो अगर सॉल्व करते तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा होती है जो कर रहे हैं कैलकुलेशन. देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, जब सेकंड टाइम करोगे तो अपने आप कैलकुलेशन कम हो जाएगी. कैलकुलेशन टफ नहीं है, कैलकुलेशन जब भी पूछी गई इजी पूछी है. अब देखो हमारे पास करेक्टरिस्टिक मिले पी क्यू एक्स वाई जेड, पी क्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली. अब हमें सॉल्यूशन भी तो फाइंड आउट करना, ये तो करेक्टरिस्टिक है. जितने एक्स वाई जेड और पी क्यू गिविन है, यहां से सिर्फ एस और टी को एलिमिनेट कर दो, एस और टी को एलिमिनेट कर दोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगी. सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मतलब मैक्सिमम दो स्टेप. यहां से जेड इक्वल टू क्या गिविन है? 2s. अगर यहां पे मैं जेड को जेड प्लस 1 होल स्क्वायर कर दूं तो 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? अगर इस इक्वेशन में z में 1 ऐड कर दूं तो 2s प्लस 1 आएगा, 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा. अब देखो इस इक्वेशन जो यहां पे इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2s प्लस 1 sin t और x इक्वल टू 2s प्लस 1 cos t, दोनों का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो. अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो यहां से क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर. इक्वेट कर दो तो सॉल्यूशन क्या आएगा? z प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये नोट किया?
देखो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी इक्वेशन तो यही गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वो तो चेंज नहीं कर रहा। जो कंडीशन गिवन है हमें यहां पर कंडीशन गिवन है यू इक्वल टू जीरो, यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। हमने जो कैलकुलेशन की है वो किस पे की है, सर्कल पे, और यहां पे कैलकुलेशन किस में गिवन है, स्ट्रेट लाइन पे। पहला ऑप्शन था कि जो दो ऑप्शन थे चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन तो ये गिवन था, एक ऑप्शन यहां पर पी और क्यू गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो चेक कर लोगे। दो ऑप्शन में यू, एक ऑप्शन में पूछा है यू वन कोमा रूट टू की वैल्यू, वन कोमा रूट टू इक्वल टू, एक ऑप्शन में गिवन है रूट टू और एक ऑप्शन में गिवन है वन, एक ऑप्शन में गिवन है रूट टू और एक ऑप्शन में क्या गिवन है वन। तो यहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया या नहीं किया, इस सॉल्यूशन में जेड को किससे रिप्लेस कर दो, वन कोमा रूट टू से। अगर जेड की अगर वैल्यू किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछने तो सॉल्यूशन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अब ये पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां तक की तो कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो जो चेंज करना है वो चेंज करता हूं, ठीक है। अगर मुझे ये गिवन है तो चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन तो यही मिलेगी, यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर जो ये गिवन है ये तो चेंज नहीं होंगे ना। अब हमें इनिशियल कर्व चेंज होगा, इनिशियल कर्व चेंज होगा, अगर एक्स को टी मान लो तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, वन माइनस टी और जेड की वैल्यू जीरो। तो यहां पे सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, टी वन माइनस टी, यहां पर जीरो और यहां पे अभी चेंज कर, ये तो हमें फाइंड आउट करने साई वन टी और साई टू टी। अब ये बताओ कि ये वैल्यू सबसे पहले ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, सेटिस्फाई करेंगे तो एक रिलेशन तो अभी भी यही मिलेगा ना, साई वन टी सॉरी साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर इक्वल टू वन, साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर इक्वल टू वन, ये मिलेगा या नहीं। अब यहां से सेकेंड रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना फाई डैश टी प्लस साई वन आर वन डैश टी प्लस साई टू आर टू डैश टी, फाई टी की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो। बोर्ड पे आ जाओ, क्लास में आ जाओ, ठीक है। फाई डैश टी की वैल्यू जीरो, साई वन और आर वन डैश टी, आर वन डैश टी की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी वन प्लस साई टू और आर टू डैश की वैल्यू क्या आएगी माइनस। तो यहां से रिलेशन मिला साई वन इक्वल टू साई टू, तो यहां पे अगर पुट करोगे साई वन इक्वल टू साई टू तो साई वन टू साई वन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहां से क्या मिलेगा वन अपॉन रूट टू, साई वन की वैल्यू भी क्या मिलेगी वन अपॉन रूट टू और साई टू की वैल्यू भी क्या मिलेगी वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन रूट। अब मुझे साई पी की वैल्यू चेक कर लो सही है गलत है, पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर पी और क्यू की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इक्वेशन जो हम क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। यहां से पी की वैल्यू मिली वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू, तो डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू क्या मिलेगी टू, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू टू आएगा, तो यहां से इसका सॉल्यूशन डी जेड अपॉन डी एस, डी जेड अपॉन डी एस इक्वल टू टू, तो यहां से जेड टी कोमा एस इक्वल टू टू एस प्लस, नहीं एक गलती कर दी, यहां से देखो अभी ये पी और क्यू तो फाइंड आउट ही नहीं किए, डी क्यू अपॉन डी एस इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या मिलेगा क्यू टी कोमा एस इक्वल टू सी वन, और हमें कंडीशन क्या गिवन है क्यू टी कोमा जीरो इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। आप सी एस आई आर नेट या आई आई टी जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें ऐप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए तो यहां से क्यू सी वन की वैल्यू क्या मिलेगी 1/√2 तो क्यू टी कोमा एस इक्वल टू क्या मिला 1/√2 अब डी पी अपॉन डी एस इक्वल टू 0 तो क्यू पी टी कोमा एस इक्वल टू सी टू तो पी टी कोमा 0 इक्वल टू क्या गिवन है 1/√2 तो पी टी कोमा एस की वैल्यू भी तो 1/√2 मिली इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था अब यहां से dz upon ds इक्वल टू 2 तो z t कोमा s 2s प्लस c3 तो z t कोमा 0 इक्वल टू 0 तो यहां से c3 की वैल्यू क्या मिलेगी 0 तो z t कोमा s इक्वल टू 2s dy upon ds इक्वल टू 2q और q की वैल्यू क्या 1/√2 कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 2 तो y t कोमा s इक्वल टू 2s प्लस c4 2s, c4 तो y t कोमा 0 की वैल्यू क्या गिवन है 1 माइनस टी तो पुट करोगे तो टी एस की वैल्यू 0 1 माइनस टी तो c4 की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस टी तो वाई टी कोमा एस √2s प्लस 1 माइनस टी और लास्ट कंडीशन डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल टू √2 तो यहां से एक्स टी कोमा एस इक्वल टू √2s प्लस c5 तो एक्स टी कोमा 0 इक्वल टू टी तो एक्स टी कोमा एस √2s प्लस टी अब यहां से करेक्टरिस्टिक तो मिली है अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एस और टी को एलिमिनेट करना तो फर्स्ट जो ये लास्ट दो इक्वेशन है ना ऐड कर दो ऐड करोगे अगर लास्ट टू इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहां से क्या मिलेगा x plus y इक्वल टू 2√2s प्लस 1 और √2s की वैल्यू क्या गिवन है z तो यहां से x plus y -1 इक्वल टू √2z तो z इक्वल टू 1/√2 x plus y -1 अब वैल्यू पूछिए z 1, √2 z 1, √2 तो 1/√2 1 plus √2 -1 1 से 1 कैंसिल √2 से √2 कैंसिल आंसर क्या मिल गया 1 तो दो ऑप्शन सही थे एक वो और एक ये क्या हाँ पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अगर ऑप्शन से सॉल्व होता तो पहले ऑप्शन से बता देता यहां पे देखो अगर इस पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहे हैं तो पॉइंट पे वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते क्या ये
ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता। बस एक क्वेश्चन लिखो या नहीं पूछ रहा हूँ, इस टॉपिक के क्वेश्चन लिख दूँ या नहीं? अब क्या क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी ने पी क्यू इक्वल टू जेड, पी क्यू इक्वल टू जेड आंसर, पी क्यू इक्वल टू जेड और कर्व की भी ने एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू जेड आंसर लिख रहा हूं। पी इक्वल टू एस ई की पावर टी इक्वल टू ई की पावर टी और एक्स इक्वल टू e की पावर टी y इक्वल टू एस इंटू ई की पावर टी और z इक्वल टू एस ई की पावर टू टी और सॉल्यूशन आएगा इसका सॉल्यूशन z इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सेकेंड क्वेश्चन क्या x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जेड, पी की इक्वल टू जेड, पी की इक्वल टू जेड और कर्व की भी ने मुझे x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जेड, y इक्वल टू जीरो पी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड बस लास्ट क्वेश्चन आंसर लिख लो। पता नहीं भी बता दूंगा बात। देखो पीडी कंप्लीट हो गया। पता नहीं वो बाद में सोचेंगे। देखो पीडी कंप्लीट हो गई है। पीडी में जो भी हमने पढ़ा उसको रिकॉल करा कराऊं या नहीं? कितने लोग नहीं चाहते नहीं कराऊं? आप लोग जाओ जाओ, क्या करोगे बैठ के पांच मिनट फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने नहीं कहा था एक घंटे से टाइम वेस्ट करो, मैंने तो कहा था आप आते ही नहीं। आते नहीं तो ज्यादा बेस्ट। चलो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में शुरुआत से जैसे भी हमें आइडिया होना चाहिए, जब हम पेपर में जाएं तो पेपर में इतना आइडिया जरूर होना चाहिए। ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किसी भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक पढ़ के जा रहे हो तुम उस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो
एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी, पहले सबसे पहले हम फंक्शन डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जो हमने टेंजेंट और नॉर्मल का डिस्कशन किया उसे स्किप कर दो. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ठीक है, उसको स्किप करने के बाद में आगे बढ़ते हैं. वहां से आते हैं दो पॉइंट. पहला पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट और सेकेंड पॉइंट एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन. जब एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट करते हैं तो वहां पर भी तीन केस बनते हैं. पहला केस कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इक्वल हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, कॉसी लीनियर. सेकेंड केस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर, ऑर्डर ग्रेटर देन वन. थर्ड केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस देन, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो हमें मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब सेकंड केस की हम एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस पढ़ते हैं तो वहां से हमें एक ही केस किस टाइप की, कॉसी लीनियर. ठीक है, अब जब कॉसी लीनियर हमारे पास, कॉसी लीनियर आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट किया तो कॉसी लीनियर मिली. कॉसी लीनियर को सोल्व करने का मेरे पास लैग्रांजे मेथड है. लैग्रांजे मेथड डीएक्स अपॉन लैग्रांजे मेथड की एक्सिलरी इक्वेशन डीएक्स अपॉन पी, डीवाई अपॉन क्यू और डीजेड अपॉन आर. लैग्रांजे मेथड को सॉल्व करने के पास चार ही मेथड है. या तो कोई भी फ्रैक्शन कंसीडर करो, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट, फर्स्ट सॉल्यूशन की हेल्प से सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट कर लो, जीरो, और लास्ट की डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर किसमें कन्वर्ट हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन. और कोई मेथड नहीं है. वहां के बाद में हमारे पास आया कॉसी प्रॉब्लम, यानी कि इंटीग्रल सरफेस गिवन है, हमें इनिशियल डाटा कर्व गिवन है, उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करें. वो तुम फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि लैग्रांजे मेथड की हेल्प से हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया. उसके बाद हमने पढ़ा है कॉसी लीनियर में ही हम पढ़ रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. तुम्हारे पास तीन रेशो है. फर्स्ट रेशो कि अगर नॉट डी, मतलब पहला ही फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू जीरो है तो आगे के चेक ही नहीं करोगे. अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और फर्स्ट इक्वल है लास्ट नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन, यानी कि कॉसी लीनियर का पार्ट खत्म हो गया. अब वहां के बाद आते हैं नॉन लीनियर. नॉन लीनियर को सॉल्व करने का मेरे पास मेथड है चारपिट मेथड. चारपिट मेथड में हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, लिखवाया स्टेटमेंट. ठीक है, उसके बाद वहां पर चार टाइप के सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल. आज तक सबसे ज्यादा प्रीफ्रेंस जनरल इंटीग्रल, सॉरी कंप्लीट इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल, यानी कि एग्जाम में बैठ के दो ही इंटीग्रल के बारे में सोचोगे. अगर वहां पे कोई वर्ड मेंशन नहीं है तो तुम्हारे माइंड में दो ही क्लिक होनी चाहिए, एक तो सिंगुलर इंटीग्रल और एक कंप्लीट इंटीग्रल. उसके बाद जब इन्हें सॉल्व कर लोगे तो चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन के चार पर्टिकुलर केसेस हैं, फंक्शन ऑफ पी क्यू, फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी क्यू और लास्ट क्लियर इक्वेशन. ठीक है, वहां पर भी इंटीग्रल सरफेस वाले क्वेश्चन है, तो ये पार्ट भी कंप्लीट. फिर हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा वेरिएबल कोएफिशिएंट. वेरिएबल कोएफिशिएंट में भी हमने एक चार्ट पढ़ा, वहां पर तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. पहला, या तो हाइपरबोलिक पैराबोलिक एलिप्टिक या हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और थर्ड कन्वर्ट इनटू कैनोनिकल फॉर्म. वहां पर हाइपरबोलिक पैराबोलिक एलिप्टिक में एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो, हाइपरबोलिक इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, एलिप्टिक. थर्ड केस सेकंड करेक्टरिस्टिक कर्व एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, तो हमारे पास कितने करेक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो दो करेक्टरिस्टिक कर्व इक्वल टू जीरो, एक करेक्टरिस्टिक कर्व और लेस देन जीरो, नो रियल करेक्टरिस्टिक कर्व. वो मेंशन भी किया था कि अगर कुछ नहीं बोला है जब तक इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, जब तक टू नहीं बोलोगे. थर्ड कन्वर्ट इनटू कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर हाइपरबोलिक होगी, तो वहां की एक्सप्रेशन लिखवाइए कि क्या जनरल एक्सप्रेशन मिलेगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जाई डेल नीटा इक्वल टू एफ जेड जाई नीटा डेल जाई और डेल नीटा इक्वेशन लिखवाई थी. ऐसी पैराबोलिक की इक्वेशन लिखवाइए और ऐसे ही हाइपरबोलिक कि जब भी सॉल्यूशन मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, यहां तक कर सकते हो. उसके बाद आगे बढ़ते तो कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट. कांस्टेंट कोफिशिएंट में हमने पढ़ा सीएफ. सीएफ फाइंड आउट करने के दो मेथड है, या तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रिपीटेड होंगे, दोनों की समय याद होनी चाहिए. थर्ड पीआई, पीआई के मेरे पास पांच पर्टिकुलर मेथड है
और उसके पास एक जनरल मेथड है, पीआई का यही तो मेथड है, और तो कोई मेथड ही नहीं पड़े पर्टिकुलर। फिर हमने वहां पर भी नॉन होमोजीनियस रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर और नॉट रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर, नॉट रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर के केस को मैंने मना कर दिया कि अगर सॉल्यूशन होगा तो ई की पावर समेशन ई की पावर समथिंग होगा, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। रिड्यूसेबल टू लीनियर फैक्टर होगा तो उसका जनरल मेथड लिखवा रखा, उसमें भी दो केस बनते हैं, या तो रूट्स रिपीटेड होंगे या फिर नॉन रिपीटेड होंगे, डिस्टिंक्स होंगे, यही तो लिखवाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हीट इक्वेशन, हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमें गिवन होता, जो हम फाइंड आउट करते हैं बाउंड्री, मतलब बाउंड्री इनिशियल कंडीशन गिवन होती, बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है और इनिशियल कंडीशन गिवन होते हैं यानी कि फाइनाइट लेंथ, तो उसका सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। और जो ये सॉल्यूशन होता ना ये बाउंडेड होता, जो ये सॉल्यूशन होता ये कैसा होता, बाउंडेड होता। आगे बढ़ते वेव, फिर आता है हीट इक्वेशन इंसुलेटेड केस में, इंसुलेटेड केस में भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें किसकी टर्म आती है, कॉस की, और दूसरी टर्म किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल, जो सेकंड टर्म होती है वो किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल। ये हम कर सकते हैं, यहीं पर एक वर्ड और यूज किया उन्होंने हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स को कैसे चेक करते हैं, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। उसके बाद हमारे पास आया नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ देना, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखवाई थी, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू वी एक्स कोमा टी प्लस ए एक्स, सॉरी हाँ ए एक्स प्लस बी लिखवाई थी, यानी हीट इक्वेशन बस हमने इतना पढ़ा, ठीक है। अदरवाइज अगर इनफाइनाइट लेंथ की हीट इक्वेशन आ गई तो वहां पर हम इनिशियल कंडीशन गिवन होगी यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स को चेक कर लो वो कंटिन्यूस है बाउंडेड है, अगर कंटिन्यूस और बाउंडेड है ना उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो जो फाई एक्स टी फंक्शन आएगी वो किसका सॉल्यूशन होगा, हीट इक्वेशन का। जब हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा तो वहां से जो भी ऑब्जर्वेशन करोगे उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे, जो भी ऑब्जर्वेशन करोगे वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, जो भी फाई एक्स टी की फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन कर लोगे। इसके बाद वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन तीन टाइप की पढ़ी हमने, फर्स्ट यू जो इनिशियल कंडीशन है यू एक्स कोमा जीरो पे एफ एक्स गिवन हो, यू टी एक्स कोमा जीरो पे जी एक्स डिफाइन हो, या फिर दोनों एफ एक्स और जी एक्स गिवन हो। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन किस, दोनों ही फंक्शन कैसे मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले दोनों ही फंक्शन कैसे मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक साइन की फंक्शन होगी और एक किसकी फंक्शन है, कॉस की। सेकंड केस में दोनों साइन की फंक्शन, और थर्ड केस के सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन के बाद हम पढ़ रहे हैं डीएलएम्बर्ट्स, पढ़ रहे हैं यानी डीएलएम्बर्ट्स, और डीएलएम्बर्ट्स के वेव इक्वेशन में इतना ही पढ़ा, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा। अब आते हैं लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन में हमारे पास चार केसेस हैं, चारों केसेस में सॉल्यूशन। पहला केस, जब भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों फंक्शन कैसी है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फंक्शन हाइपरबोलिक। अगर फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो अपॉन में क्या आएगा, ए। फंक्शन ऑफ वाई गिवन है अपॉन में क्या आएगा, बी। अगर फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो हाइपरबोलिक फंक्शन किसकी आएगी, वाई की। अगर फंक्शन ऑफ वाई गिवन है तो हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स की। इस इंफॉर्मेशन से ऑप्शन डिस्कार्ड कर लेना, गेट के पेपर में तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे, अगर नेट में नहीं हुए तो गेट के एग्जाम में जरूर हो जाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहां के बाद में हमने पढ़ा डिरिचलेट प्रॉब्लम, मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, उसका सॉल्यूशन भी पढ़ा, सॉल्यूशन है मेरे पास। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूमैन प्रॉब्लम्स, न्यूमैन प्रॉब्लम्स पढ़ी, उसके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो जो आज लिखवाई थी, पहली कंडीशन इंटीग्रल एफ ऑफ एस इंटू डी एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। फिर उसके बाद में रेक्टेंगल का एक केस लिखवाया, एक ही तो केस लिखवाया, सौ केस तो सारे बन सकते हैं, केस तो सारे बन सकते हैं, सारे केसेस में हम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, और लास्ट केस नॉन लीनियर कॉसी प्रॉब्लम, ठीक है। कोशिश करना कि इस मेथड को जरूर करके जाओ, सॉल्व हो जाए तो ठीक है। होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोस। वांट टू स्टडी विद दुबेसर लाइव? जॉइन आवर ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस फॉर सीएसआईआर नेट मैथ्स एंड जैम। विजिट आवर वेबसाइट और क्लिक ऑन द लिंक हाइलाइटेड टू नो मोर।